हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम अगले 15 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन के साथ एनालिसिस करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज आप लोगों के लिए और स्टार्ट की है, जिसमें हम एमपी को चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। तो इसका जो पहला वीडियो है वह सुबह 10 बजे आपको प्रतिदिन मिलेगा, और आज के दिन भी ये वीडियो अपलोड हुआ था, पर किसी टेक्निकल इशूज़ की वजह से इसका नोटिफिकेशन सभी जगह नहीं पहुंच पाया है। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो जो एमपी के जलप्रपात के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वह इस लिंक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, छिंदवाड़ा जो जिला है इसमें सौसर सीरीज है, जिसे धारवाड़ सेल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है। इंडो गंगेटिक मैदान में एमपी का कौन सा शहर आता है, वह आता है ग्वालियर। इसमें काफी भारत के बहुत सारे शहर आते हैं, एमपी का ग्वालियर शहर इंडो गंगेटिक मैदान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, थावर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है। थावर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, तो इसका आंसर है थावर नदी पर। थावर परियोजना थावर नदी पर निर्मित की गई है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम किस सन में प्रभावी हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम किस सन में प्रभावी हुआ था, तो 1996 में मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम प्रभावी हुआ था। छठवां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है, तो मध्य प्रदेश का जो पहला नगर निगम है जो 1864 में बना था, और यह जबलपुर नगर निगम है। इसमें क्वेश्चन एक बन सकता है कि मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन सी थी, तो मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका जो थी वो दतिया थी। 1907 में यह नगर पालिका का गठन हुआ था। नगर पालिका और ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है इसको लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो था वह पहला राज्य था, और यह संविधान की 11वीं अनुसूची में नगर पालिका। एक क्वेश्चन काफी बनता है कि नगर पालिका भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आती है, तो वह 11वीं अनुसूची में आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां, मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है, तो मध्य प्रदेश का पहला जो उच्चतम स्थान है वह धूपगढ़ चोटी है पचमढ़ी में, और मध्य प्रदेश का जो पहला उच्चतम स्थान है धूपगढ़ वह भी पचमढ़ी में, और दूसरा उच्चतम स्थान जो चौरागढ़ है वह भी पचमढ़ी में है। तो मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान जो है चौरागढ़, जो कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, सतखंडा महल मध्य प्रदेश के किस किले में स्थित है। सतखंडा महल मध्य प्रदेश के किस किले में स्थित है, तो सतखंडा महल की बात की जाए तो सतखंडा महल जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। सतखंडा महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। नौवां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में बेगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो बेगा एक मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बेवार कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेगाओं द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बेवार कहा जाता है। मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया, तो तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश में 1980 से दिया जा रहा है। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया था। 1517 में युद्ध हुआ था जिसमें ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर थे, उन्हें किसने हराया था, तो इब्राहिम लोदी ने 1517 के युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को हराया था। बारहवां क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राम रोटी योजना कब प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राम रोटी योजना कब प्रारंभ हुई, तो यह हुई थी 2010 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राम रोटी योजना 2010 में प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना 1969 में की गई। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना 1969 में की गई। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, राजा अमन का महल किस किले में है। राजा अमन का महल किस किले में है, तो राजा अमन का जो महल है वह अजयगढ़ में है। राजा अमन का महल अजयगढ़ के किले में है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जो राज्य का वित्त आयोग होता है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका गठन होता है, तो अनुच्छेद 243 I के अंतर्गत जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन किया जाता है। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में 19वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हाल ही में 19वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड का समारोह कहाँ, आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी उज्जैन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है इंदौर।
इंदौर में 19वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड का आयोजन किया जाना है। आगे हमारी सीरीज से बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।